आ रहा है ऐसे क्या हल्का सा पीछे आना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। आज हम बात करेंगे ब्लड बैंक से रिलेटेड। ब्लड बैंक के जो टाइप्स होते हैं वो हम उसमें हम उनकी एक्सपायरी, उनका टेम्परेचर और प्लेटलेट्स का टेम्परेचर और एक्सपायरी और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का टेम्परेचर और एक्सपायरी और कुछ बैंक से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो ब्लड बैंक होते हैं सर, शक्ल तो दिखाओ अपनी। वो ब्लड बैंक होते हैं वो 3 से 4 टाइप के होते हैं, वो मैं आपसे करके बात करूँगा। जो Q3 और जो Q4 है इनका मतलब है ट्रिपल बैंक और क्वाड्रपल बैंक। तो उनमें 3 बैंक और 4 बैंक का एक कनेक्शन पूरा होता है। एक प्रिंसिपल बैंक होता है जो एक सर ढक्कन गिर गया है, ढक्कन तो उठा लो, खो जाएगा तो क्या। तो मेन बैंक होता है और बाकी क्या होता है 3 उसके कंपोनेंट बैंक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रिपल बैंक और क्वाड्रपल बैंक की। ये जो एक्सपायरी है ये इससे हम मैच करते हैं, ये आज की डेट है 18 मार्च, तो इसमें अगर हम 42 डेज एड करते हैं तो ये आता है 29 अप्रैल, तो ये होता है। और इनकी एक्सपायरी रहती है 42 डेज रहती है जो क्वाड्रपल और ट्रिपल बैंक होते हैं। और क्वाड्रपल ट्रिपल बैंक कैसे होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। और जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ब्लड का रिजर्व किया जाता है, रिजर्व किया जाता है जो स्टोरेज टेम्परेचर भी बोलते हैं। जो डबल बैंक होता है वो उनकी वैलिडिटी होती है 35 डेज होती है, और जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स क्या होता है, उनकी वैलिडिटी होती है 5 डेज होती है, और ये होता है 23 मार्च 2023 या 18 और 23, मतलब इसमें 5 दिन की वैलिडिटी होती है, ओनली सिर्फ 5 डेज होता है इसकी वैलिडिटी। और इसका जो टेम्परेचर होता है स्टोरेज टेम्परेचर, ये 20 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं FFP की। FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और आज की डेट के हिसाब से ये 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है, और इसका मिनिमम टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे अब रख सकते हैं, जैसे हम रखते हैं -72 डिग्री सेल्सियस उनका एक्सपायरी डेट होगी और उनका टेम्परेचर हो गया। थैंक यू गाइस।